हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के अध्यक्षों के बारे में। तो लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठाता होता है। उसका चुनाव कौन करता है? तो उसका चुनाव लोकसभा चुनावों के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। और कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही एक होता है। उसका कार्यकाल कितना होता है? उसका कार्यकाल लोकसभा के समापन तक या 5 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा अध्यक्ष अन्य लोकसभा सदस्यों की तरह ही एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है। और उसकी शक्तियां, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और संसद के कामकाज का संचालन करता है। वह यह भी निर्णय कर सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और संसद में अनुशासन व मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेवारी भी लोकसभा अध्यक्ष की ही होती है। तो फ्रेंड्स, हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे स्वतंत्र भारत के सभी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। यह अहमदाबाद पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से सदस्य थे। इनका जन्म 27 नवंबर 1888 को हुआ था और इन्होंने लोकसभा का अध्यक्ष 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक संभाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष थे एम ए अयंगर। इनका पूरा नाम था मधुभूषी अनंत शयनम अयंगर। ये चित्तौड़ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से सदस्य थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। ये पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष भी थे और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 8 मार्च 1956 से लेकर 10 मई 1957 तक रहा और दूसरी बार फिर से 11 मई 1957 से लेकर 16 अप्रैल 1962 तक रहा। लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष थे सरदार हुकुम सिंह। यह पटियाला पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे और इनका कार्यकाल था 17 अप्रैल 1962 से लेकर 16 मार्च 1967 तक। यह उसके बाद राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में उन्होंने लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। लोकसभा के चौथे अध्यक्ष थे नीलम संजीवा रेड्डी। यह हिंदूपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे और इनका कार्यकाल पहली बार रहा था 17 मार्च 1967 से लेकर 19 जुलाई 1969 तक। यह भारत के छठे राष्ट्रपति भी बने और आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे। लोकसभा के पांचवें अध्यक्ष थे गुरदयाल सिंह ढिल्लों। यह तरन तारण पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से सदस्य थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे। इनका कार्यकाल 8 अगस्त 1969 से लेकर 19 मार्च 1971 तक रहा और बाद में फिर से 22 मार्च 1971 से लेकर 1 दिसंबर 1975 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। हमारे छठे लोकसभा अध्यक्ष थे बलीराम भक्त। ये आरा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे और इनका कार्यकाल था 15 जनवरी 1976 से लेकर 25 मार्च 1977 तक। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करते थे। श्री बलीराम भक्त थोड़े समय के लिए 1993 में हिमाचल के गवर्नर तथा 1993 से लेकर 98 तक राजस्थान के गवर्नर रहे थे। लोकसभा के सातवें अध्यक्ष थे नीलम संजीवा रेड्डी। नंदियाल पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस वक्त ये, और इनका कार्यकाल था 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977। इस टाइम ये जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लोकसभा के आठवें अध्यक्ष थे के एस हेगड़े। बेंगलोर साउथ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे और कार्यकाल था 21 जुलाई 1977 से लेकर 21 जनवरी 1980। जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे।
लोकसभा के नवे अध्यक्ष थे बलराम जाखड़। इनका कार्यकाल 2 बार का रहा था। पहली बार इन्होंने 22 जनवरी 1980 से लेकर 27 अक्टूबर 1984 तक लोकसभा का अध्यक्ष संभाला। उस टाइम ये फिरोजपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसके बाद ये सीकर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से चुन के आए और दूसरे कार्यकाल में इन्होंने लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। तो 16 जनवरी 1985 से लेकर 18 दिसंबर 1989 तक दोनों ही समय यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में चुनकर आए थे। लोकसभा के 11वें अध्यक्ष थे रवि रॉय। यह केंद्र पारा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से चुनकर आए थे जनता दल के टिकट पर और इनका कार्यकाल रहा था 19 दिसंबर 1989 से लेकर 9 जुलाई 1991 तक। लोकसभा के 12वें अध्यक्ष थे शिवराज पाटिल। ये लातूर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से चुनकर आए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर और इनका कार्यकाल था 10 जुलाई 1991 से लेकर 22 मई 1996 तक। लोकसभा के 13वें अध्यक्ष थे पी ए संगमा। यह तुरा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उससे पहले ये मेघालय के 4थे मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल था 23 मई 1996 से लेकर 23 मार्च 1998 तक। जब इन्होंने लोकसभा का अध्यक्ष पद संभाला था तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनकर आए थे। लोकसभा के 14वें अध्यक्ष थे जीएमसी बालयोगी। यह अमलापुरम पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से चुनकर आए थे तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर और इनका पहला कार्यकाल था 24 मार्च 1998 से लेकर 19 अक्टूबर 1999 तक और दूसरी बार 22 अक्टूबर 1999 से लेकर 3 मार्च 2002 तक। लोकसभा के 15वें अध्यक्ष थे मनोहर जोशी जो कि मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से शिवसेना के टिकट पर चुनकर आए थे और इनका कार्यकाल था 10 मई 2002 से लेकर 2 जून 2004 तक। लोकसभा के 16वें अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी जो कि बोलपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से सीपीआईएम के टिकट पर चुनकर आए थे और इनका कार्यकाल था 4 जून 2004 से लेकर 31 मई 2009 तक का। लोकसभा की 17वीं अध्यक्ष थी मिसिज मीरा कुमार जो कि सासाराम पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आई थी और कार्यकाल था 4 जून 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक। लोकसभा की 18वीं अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। यह इंदौर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनकर आई थी और इनका कार्यकाल था 6 जून 2014 से लेकर 16 जून 2019 तक का। और हमारे 19वें तथा वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जो कोटा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनकर आए हैं और इनका कार्यकाल 19 जून 2019 से अब तक है। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी लोकसभा अध्यक्षों के बारे में। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।